अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असद कियानी। नाज़रीन, आज हम आपको पाकिस्तान के दारुल खिलाफा इस्लामाबाद के बारे में बताएंगे। ये पाकिस्तान का दारुल खिलाफा इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद का शुमार दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में होता है। नाज़रीन, जहां मैं खड़ा हूं ये हमारा भी गाँव था। फील्ड मार्शल अयूब खान के दौर में हमारे गाँव को कैपिटल में शामिल करके ख़त्म कर दिया गया। इस गांव का नाम उर्दू में ओजड़ी और पोठवारी ज़ुबान में ओड़ियाँ था, जबकि कैपिटल बनने से पहले इस्लामाबाद में मुख्तलिफ गांव आबाद थे जिन्हें सरकारी तहवील में लिया गया, जिस पर लोगों का आबाई सिस्टम ख़त्म हो गया। इस्लामाबाद में मुकामी लोगों की तादाद बहुत कम है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आए लोग मुलाजमत और कारोबार के सिलसिले में यहाँ मुकीम है। नाजरीन, ये रावल डैम है। डैम की जगह पर भी मुख्तलिफ गांव आबाद थे। इन गांवों को भी ख़त्म करके डैम बनाया गया था। यहाँ लोगों की तफरी के लिए सैरगाह भी बनाई गई। सैरगाह के साथ भी एक गांव आबाद था। इसी तरह लोगों का आबाई सिस्टम ख़त्म होता गया। ये मलपुर गांव है। ये गांव अभी भी यहां आबाद है और यहां लोग रिहाइश पजीर हैं। नाज़रीन, ये शकरपड़ियाँ है। शकरपड़ियाँ भी अब सैरगाह है। शकरपड़ियाँ का नाम बुज़ुर्ग बाबा फरीद गंज शकर के नाम से मंसूब किया गया। बाबा फरीद गंज शकर यहाँ आए थे। यहाँ इन्होंने क़याम किया था। पहाड़ी सिलसिले की वजह से इसे पड़ियाँ कहा जाता था। बाबा फरीद गंज शकर के आने पर इसका पूरा नाम शकरपड़ियाँ रख दिया गया। नाज़रीन, अब चलते हैं सैदपुर गांव की तरफ। अब हम मौजूद हैं सैदपुर गांव में। सैदपुर गांव को भी सरकारी तहवील में लिया गया था, लेकिन बाद में परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में इस गांव को मॉडल विलेज का दर्जा दिया गया, जिसकी वजह से यह गांव अब भी यहां आबाद है। जबकि सैदपुर गांव का नाम पाकिस्तान बनने से पहले फतेहपुर बावरी था। गखड़ कबीले के सरदार के आने पर इसका नाम तब्दील हुआ। अब यह सैदपुर गांव के नाम से जाना जाता है। ये रावल डैम की दूसरी साइड लेक व्यू पार्क है। इसी के साथ दोबारा किसी नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।